वेलकम दोस्तों। तो दोस्तों टेली प्राइम सॉफ्टवेयर ने अपना बिल्कुल लेटेस्ट रिलीज 5.0 अब लाइव कर दिया है, यानी कि अब आप सभी लोग इसको डाउनलोड करके अपनी बिजनेस की अकाउंटिंग आप इस लेटेस्ट रिलीज 5.0 के अंदर कर सकते हैं। और ये जो रिलीज है आज यानी कि 11 सितंबर 2024 को टेली सॉफ्टवेयर की ऑफिशियली वेबसाइट पर ये लॉन्च हुए, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। और अभी तक यानी कि 11 सितंबर से पहले जितने भी यूट्यूब पे आप लोगों ने वीडियो देखे थे रिलीज 5.0 के, वो सब केवल बीटा वर्जन के थे। और आप जैसे आप इसको डाउनलोड करोगे तो वहां पर बीटा वर्जन की बजाय आपको लेटेस्ट वर्जन दिखाई देगा। तो अब इस नए रिलीज के अंदर क्या कुछ चेंजिंग हुआ है, ये मैंने पहले बीटा वर्जन जब आया था तो उसी के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, और जो मेजर चेंजिंग हुई थी उसके ऊपर मैंने पूरी डिटेल के साथ वीडियो बना दी थी। लेकिन फिर भी अपने इसके अंदर टॉपिक वाइज और डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता चल सके भी 5.0 रिलीज है इसके अंदर आप लोगों को क्या कुछ नया देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले इन्होंने दिए बी कनेक्टेड जीएसटी एक्सपीरियंस, और ये फीचर्स आपको अब यहाँ पे मिलेंगे सारे। इस एक्सचेंज बटन पे जाओगे तो आपको जीएसटी लॉगिन और लॉगआउट का ऑप्शन मिल जाएगा, सेंड फॉर ईवी बिल के लिए आपको मिल जाएगा। बस इसके लिए आपका जो टीएसएस है यानी कि जो टेली सॉफ्टवेयर का जो लाइसेंस है वो अपडेट होना चाहिए, वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अगर आपका एक्सपायर है तो उसको पहले आपको रिन्यू कराना पड़ेगा, तभी आप इस 5.0 का फायदा उठा सकोगे, अदरवाइज आप पुराने रिलीज के अंदर टेली सॉफ्टवेयर को ही यूज कर पाओगे। उसके बाद में यहाँ पर आप जीएसटी की रिटर्न है वो अपलोड कर सकोगे, चाहे GSTR 1 की बात हो चाहे वो GSTR 3B की बात हो, तो आप डायरेक्टली टेली सॉफ्टवेयर से आप इसको अपलोड कर देंगे पोर्टल पे। आपने जितनी रिटर्न फाइल कर रखी है उस रिटर्न को आप डाउनलोड भी कर सकते हो। जैसा कि आप देखोगे भी GSTR 1, GSTR 2A, GSTR 2B, GSTR 3B, आप पीरियड वाइज ईयरली 6 मंथ जितना भी आपको पेड चाहिए उसी के अकॉर्डिंग आप रिटर्न को डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ये मेजर चेंजिंग ऑलमोस्ट इसके अंदर हुई है, विशेषकर जीएसटी से रिलेटेड। और आपका जो बुक्स का आईटीसी है वर्सेस जो आपका ऑनलाइन पोर्टल पे जो आईटीसी आपको शोर है उसका भी आपको रिकंसलेस टेली सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक करके देगा भी। ऐसा कोई इनवॉइस जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यानी कि टेली सॉफ्टवेयर में तो है लेकिन वो 2B के अंदर या 2A के अंदर शो नहीं हो रहा है, या 2 या 2B के अंदर तो शो हो रहा है लेकिन आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी कि टेली सॉफ्टवेयर में नहीं है, तो वो इस टाइप का कोई भी कंपैरिजन होगा, इस टाइप कोई भी डिफरेंस होगा तो वो टेली सॉफ्टवेयर आपको बताएगा भी। तो यानी कि इनका कहने का मतलब 100% कंट्रोल ऑन आईटीसी रिस्क, यानी कि आपका जितना भी आईटीसी है वो आईटीसी कोई मिस ना हो जाए इसी की रिपोर्टिंग के आधार पर इस 5.0 के अंदर वर्किंग करने की इन्होंने पूरी कोशिश करी है। अब ये नया रिलीज फाइनली आज लॉन्च हुआ है तो सभी बिजनेसमैन लोग इसको यूज करेंगे फाइनली अकाउंटिंग के लिए। और ऑलमोस्ट जो हमारी अगस्त मंथ की जो GSTR 1 की रिटर्न थी वो तो ऑलमोस्ट जा चुकी है क्योंकि 11 सितंबर उसकी लास्ट डेट थी। अब नेक्स्ट मंथ आएगा जो यानी कि जब सितंबर मंथ की, जब अक्टूबर मंथ के अंदर जीएसटी की रिटर्न जाएगी तब इसका सही पता चलेगा भी ये रिलीज प्रॉपरली कितना वर्क करता है, कितना ये आईटीसी को रिकंसलेशन कर देता है। और यहाँ पर जो सबसे पहला है ऑटोमेट लेजर, यानी कि अभी ये जीएसटी की जी केवल जीएसटी नंबर से आप लेजर क्रिएट कर सकते हो। अभी तक अपने दोनों ऑप्शन रहेंगे, लेजर पे जाके अपने क्रिएट करते थे, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा या फिर फेचिंग डिटेल्स यूजिंग जीएसटी नंबर, यानी कि आपको केवल यहाँ पर जीएसटी नंबर डालना है और उसी जीएसटी नंबर के आधार पर उस कंपनी का नाम, कंपनी का लीगल नेम, उस कंपनी का एड्रेस क्या है और कंपनी की उसकी जीएसटी की फाइल हिस्ट्री सारी डिटेल आप लोगों को बताएगा। आप मल्टी जीएसटी लेजर भी आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास में 100 लेजर आपको क्रिएट करने हैं तो आपको पर्टिकुलर सभी के एक जीएसटी नंबर की एक्सेल फाइल आपको क्रिएट करनी है और उस एक्सेल फाइल को आपको टेली सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करवा देना है, तो ये सारे के सारे 100 लेजर भी टेली सॉफ्टवेयर आपको ऑटोमेटिकली क्रिएट करके देगा। तो इन सब बातों पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, लेकिन फाइनली 11 सितंबर को आप सभी लोगों के लिए टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का जो रिलीज 5.0, चाहे वो एडिट लॉग की बात हो चाहे वो नॉर्मल रिलीज की बात हो, दोनों आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर इसका जो जो भी चेंजिंग हुई है इन्होंने यहाँ पर वीडियो बना के भी प्रॉपर दिखाया हुआ है, जो लोग आप लोगों को चेंजिंग देखने को मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर GSTR 1 रिटर्न की जो डायरेक्टली जो फैसिलिटी है वो किस तरीके से वर्क करेगी, TDS का वर्क वो किस तरीके से करेगा, जो GST रिटर्न डाउनलोड करने की जो फैसिलिटी इस रिलीज के अंदर आप लोगों को मिलेगी वो किस प्रकार से वर्क करेगी। तो यानी कि प्रॉपर इन्होंने GSTR फाइल टेली प्राइम से डायरेक्टली किस तरीके से करनी है, अपलोड किस तरीके से करनी है, तो ये सब के ऊपर प्रॉपरली इन्होंने वीडियो बना के अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी किया है, तो आप इसका भी वीडियो चेक कर सकते हो।